हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों के लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया था, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत ध्यान से देखी जाएगी देखिएगा क्योंकि इसमें आपको एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोनों वीडियो से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, छत्ते में सर्वाधिक संख्या होती है कि वर्कर्स की संख्या सर्वाधिक होती है छत्ते में। 32 है, निप्टल फ्लाइट किसके बीच में होती है? ये होती है रानी पुत्री और नर के बीच में होती है, मैथुन क्रिया होती है, ये हवा में होती है। 33 है, रानी जब अंडा देना प्रारंभ करती है तो उसे कहते हैं, उसे कहते हैं अंड निक्षेपण कहते हैं। 34 है, रानी माता जब पुराना छत्ता छोड़कर चली जाती है तो उसे कहते हैं, उसे स्वार्मिंग कहते हैं। 35 है, कृत्रिम छत्ते का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? ये लैंग स्टोथ ने किया था, 1851 में किया था, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। 36 है, एक्रेन बीमारी होती है, एक्रेन जो बीमारी होती है मधुमक्खियों में होती है, मकड़ी के कारण होती है। इसका जो साइंटिफिक नाम है एक्रेन का, यह एसेरिपस बुडी। 37 है, भारत में रेशम पालन में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, बॉम्बिक्स मोराई होता है सर्वाधिक प्रयोग, लगभग 90%। 38% है, लाख अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये जो है लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1921 में। 39 है, इंडियन लॉग लेस कम्युनिकेशन की स्थापना हुई थी 1930 में हुई थी। 40 नंबर है, सर्वाधिक लॉग उत्पादन होता है वो बिहार में होता है, झारखंड में, बिहार और झारखंड में दोनों को मिला के 41.3% उत्पादन होता है। 41% है, एपिस डॉर्सेटा का साधारण नाम क्या है? ये सरंग मधुमक्खी है, ये बहुत ही खतरनाक मधुमक्खी होती है, इसमें बहुत ही गुस्सैल नेचर का जो नेचर होता है वो गुस्सैल नेचर का होता है। क्वेश्चन 42 है, सैतूस कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉम्बिक्स मोराई है। 43 है, मधु में शर्करा होती है ना कि हनी में जो शर्करा होती है, ग्लूकोज प्लस फैक्टोज दोनों शर्कराएं पाई जाती हैं। 44 है, मधुमक्खियों में स्थानांतरण मुख्यतः किस कारण होता है? खाद्य पदार्थों की कमी के कारण होता है। 45 है, फाइबोसियम इस्वानी का साधारण नाम है, यह एंटी रेशम कीट है। 46 है, रेशम कीट का मकरानीडीन बीमारी होती है, फफूंद द्वारा होता है। 47 है, कच्ची अवस्था में फसल पकने से पहले काट ली जाने वाली लाग की काक को कहते हैं एरी लाग कहते हैं। 48 है, सर्वाधिक सिल्क होता है कर्नाटक में होता है। 49 है, ग्रेसरी बीमारी होती है ये होती है बैक्टीरिया द्वारा। 50 नंबर है, मधुमक्खियों का प्रवास बीमारी होती है, ये भीड़ के कारण होती है। एरी रेशम कीट मुख्य रूप से पाया जाता है असम में पाया जाता है। 52 है, स्मॉलेस्ट बी आल्सो कॉल्ड ए लिटिल बी इज नॉन एज एपिस फ्लोरिडा है, ये छोटी वाली मधुमक्खी कही जाती है। 53 है, हनी भी प्रोडक्शन ऑफ एपिस डॉर्सेटा स्पीसीज इज हाई है, 15 से 40 किलोग्राम एपिस डॉर्सेटा जो है इसका उत्पादन करती है हनीबी का। 54 है, हाईएस्ट प्रोडक्शिंग ऑफ हनी इज नॉन एज एपिस मेलिफेरा, सबसे ज़्यादा हनी प्रोडक्शन करती है। 55 है, नंबर ऑफ ड्रोन हिप्स इन नॉन एज, एक छत्ते में कितने ड्रोन होते हैं, नर होते हैं? 200 से 300 नर होते हैं। 56 है, सिल्क प्रोड्यूस ऑफ सिल्क बर्म, ये लेबरल ग्रंथ से होता है।
57 है। सिल्क प्रोटीन इज नॉन एज, ये फेब्रिन होती है 80 से 75%, और सेरेसिन होती है 20 से 25%। 58 है लाइफ स्पेन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की जो जीवन क्षमता है वो है 5 से 6 वीक्स। 58 है रियरिंग ऑफ हनी बी इज ऑल्सो नॉन एज, होता है एपीकल्चर। रियरिंग ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इज नॉन एज सेरीकल्चर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है व्हेन सेक्रेटेड ऑफ फूड इज फाउंड इज नॉन एज, आंसर नंबर होगा डेथ पीरियड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हेन वी लिफ्ट अप द हिप्स कंप्लीटेड ड्यू टू मेनी रीजन, होगा एब्सकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। 31 है ट्रांसलेट द लैंग्वेज ऑफ हनी बी कम्युनिकेशन डांस, ये है कॉल वन फिश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 32 डांस ऑफ हनी बी इज नॉन एज, ये राउंड एंड वेगल डांस, तो इसका आंसर नंबर होगा ए एंड सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 है द मॉडर्न वी हिप्स वेयर डिजाइंड बेस्ड ऑन वी स्पेस थ्योरी, ये दी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एल एल लॉन्गेथस ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है आर्टिफिशियल रिमोव वी हैव से वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाई लॉन्गेथस साइज है, ये 42.2 से 31.1 सेंटीमीटर, शुगर परसेंटेज ऑफ हनी भी 78%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। द सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है सेपरेटिंग ऑफ फीवर इज नॉन एज, ये है रिलेइंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 47 सेंट्रल सिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यह रांची में स्थित है। सेंट्रल टसार रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये झारखंड असम में स्थित है। द साइंटिफिक नेम ऑफ मूंगा सिल्कवर्म, मूंगा सिल्कवर्म में जो साइंटिफिक नेम है ये अंथेरिया एसमेंसिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है फीमेल अट्रैक्ट मेल द हेल्प ऑफ सेक्स फेरोमोन फॉर मोल्डिंग बॉम्बे कोल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कल्टिवेटेड स्पीसीज इन लाक, ये कैरिका लक्का और लेसफर लक्का, तो इसका आंसर नंबर होगा ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 52 है लाक प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन मिक्सचर ऑफ रेजिन और डाई वैक्स, तो इसका नंबर होगा डी उपयुक्त सभी। 53 है रियरिंग ऑफ लाक इंसेक्ट फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द लाक इज कॉल्ड एज लाक कल्चर, ऑप्शन नंबर ए सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है द होस्ट प्लांट ऑफ लाक प्रोडक्शन, ये कुसुम पलास और रेजिंग, इसका आंसर नंबर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 55 सिस्टेमिक पोजिशन ऑफ लाक इंसेक्ट द फर्स्ट साइंटिफिक अमाउंट ऑफ द लाक इंसेक्ट वॉज गिवन बाई, दिया था जे खरने, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। 56 है देयर स्क्लेरल रीजन फॉर्म ग्रेजुअली इंक्रीज द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, इसका आंसर नंबर होगा हाइपोडर्मल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रीजन ऑफ गम, तो इसका आंसर नंबर होगा रांची में स्थित है। 58 है ग्नेरिया मेलेनेटा इज ए, जो ग्लेरिया मिलेनेला इज ए है, जो ये ग्रेटर बेक्स मौत है। क्वेश्चन नंबर 59 है विच ग्लैंड इज ए लाग इंसेक्ट सिक्रेटेड लाग, ये लाग ग्लैंड से सिक्रेटेड होता है। 60 है इन इंडिया हाईएस्ट लाग प्रोडक्शन स्टेज इन झारखंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है इंडिया इज रैंक इन हनी बी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, यह है 7th रैंक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, जितना शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।